हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम ज्योग्राफी का घटना चक्र कर रहे थे और इसमें हमने स्टार्ट किया था फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसमें से हमने माउंटेन, प्लेन्स और पीक्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे आइलैंड्स के बारे में। और आपको पता है कि आइलैंड्स आपको बे ऑफ बंगाल में भी देखने को मिलेगा, अरेबियन सी में, और कुछ आइलैंड कोस्टल रीजन में भी देख रिवराइन आइलैंड भी देखने को मिलते हैं। सो चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं, हमें और इसकी क्लैरिटी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार का, और वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान में। तो सैडल पीक कहाँ पे लोकेटेड है? वो है नॉर्थ अंडमान में। और ये यूपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल हैव अराउंड 572 आइलैंड्स एंड आइलेट्स। मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड्स अबाउट आइलैंड्स आर इन द अंडमान ग्रुप। द स्मॉलर निकोबार कंप्राइज अराउंड 22 आइलैंड। सैडल पीक इज द हाइएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अभी हमने जस्ट देखा वो है सैडल पीक, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान में। थर्ड क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार आर, अंडमान और निकोबार क्या है? तो ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल रीजन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार, तो हमने अभी जस्ट देखा 572, इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं है। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करते हैं? तो ये सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। द एक्सपेंशन ऑफ द चैनल इज अबाउट 150 किलोमीटर। इट इज पैरेलल टू 10 डिग्री नॉर्थ, लेट सो इट इज कॉल्ड 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पैरेलल है 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड के। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। हमने जस्ट देखा नॉर्थ एंड अंडमान एंड निकोबार। सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। सेम क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ, यूपीएससी से लेकर यूपीएलडीए यूडीए। एट नंबर क्वेश्चन, पार्क स्ट्रीट इज लोकेटेड इन, पार्क स्ट्रीट हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। पाक स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू पाक बे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। तो ये है सुमात्रा। ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, लोकेटेड बिटवीन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ एंड 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट टू 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट। दिस इज अप्रॉक्सिमेट 480 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार एज कम्पेयर टू बोर्नियो, जावा एंड श्रीलंका। जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया टू साउथ ऑफ सुमात्रा, बोर्नियो इज लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ सुमात्रा। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, बैरन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये है बे ऑफ बंगाल में। तो बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन द अंडमान सी इन द बे ऑफ बंगाल 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। इट फर्स्ट इरप्टेड इन 1787। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, वोल्केनिक आइलैंड इसमें से कौन है? ये है बैरन आइलैंड। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज कोंकण प्लेन, कोंकण रीजन। 13th इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, कोंकण कोस्ट, कनेरा कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। द कोंकण कोस्ट, कनेरा कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज कोंकण, सदर्न पोर्शन इज नोन एज मालाबार एंड मिडिल पोर्शन किसको क्या बोलते हैं? कनेरा कोस्ट। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नैरो एंड ईस्ट कोस्ट इज वेरी वाइड। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो नैरो है जबकि ईस्टर्न कोस्ट क्या है वो वाइड है। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज हैज अ वोल्केनिक ओरिजिन, तो बैरन आइलैंड का वोल्केनिक ओरिजिन है। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द बैरन आइलैंड लोकेटेड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। थर्ड है, द लास्ट टाइम ऑफ बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1990 एंड हैज रिमेन इनएक्टिव सिंस देन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, और ये पूछा गया था यूपीएससी प्री 2018 में। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं,
Barren Island is an island located in Andaman Sea dominated by Barren volcano, the only confirmed active volcano in South Asia. तो ये South Asia का active volcano और ये only active volcano है. It is a part of Indian Union Territory of Andaman and Nicobar, hence statement 1 is correct. It lies 135 km northeast of Union Territory capital Port Blair and 540 km from Great Nicobar. तो ये statement सेकेंड गलत होगा क्योंकि इसमें क्या था 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार. ठीक है, द वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1787. इन 1999 देयर वाज अनदर इरप्शन एंड लास्टेड फॉर अबाउट 6 मंथ एंड वाज पर्टिकुलरली हार्मफुल टू आइलैंड फौना. हाउएवर देयर वर इरप्शन इन 1994, 1995, 2005, 6 एंड लेटर कंसीडर्ड टू बी लिंक्ड टू द 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक. श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन. श्रीहरिकोटा हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है नियर पुलिकट लेक. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही. श्रीहरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड नियर पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश. इट सेपरेट पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. सतीशधवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा. तो श्रीहरिकोटा में हमें क्या देखने को मिलता है, सतीशधवन स्पेस सेंटर भी देखने को मिलता है. 16th नंबर, एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम. एडम्स ब्रिज कहाँ से बिगिन होते हैं, धनुष कोटी से. एडम्स ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज राम सेतु और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है अभी क्योंकि इस पर एक मूवी भी बनी है, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसेंट किसी भी स्टेट पीसीएस में. इट स्प्रेड एज अ चेन ऑफ सोल फ्रॉम धनुष कोटी टिप ऑफ इंडियन पंबन आइलैंड टू श्रीलंका मन्नार आइलैंड. पंबन आइलैंड इज सेमी कनेक्टेड टू इंडियाज मेनलैंड बाई 2.2 किलोमीटर लॉन्ग पंबन ब्रिज. 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अड्डू एटोल आर सिचुएटेड इन विच ओशन. अड्डू एटोल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन में. तो अड्डू एटोल इज नोन एज सिनो एटोल इन द सदर्न मोस्ट अटोल ऑफ मालदीव्स. सो इट इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन. अब हम देखेंगे आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी. तो अरेबियन सी का मुख्य जो आइलैंड है वो क्या है, लक्षद्वीप. आपको पता है लक्षद्वीप का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कोरल से हुआ है. अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड. लक्षद्वीप लोकेटेड इन अरेबियन सी. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी. द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपोजिट. देर आर अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड आउट ऑफ विच 10 आर इनहैबिटेटेड. जबकि अंडमान और निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे, तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ था. मिनिकॉय इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम द अदर आइलैंड बाई 9 डिग्री चैनल. कवरत्ती इज द कैपिटल लक्षद्वीप. लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज एंड्रोट. दिस आइलैंड आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 to 440 किलोमीटर ऑफ ऑफ द केरला कोस्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया एटोल्स आर कॉमनली फाउंड. एटोल्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, मेनली नियर लक्षद्वीप में. थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड. ये है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड इज द कैपिटल. इट्स कैपिटल इज कवरत्ती. इट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज ये क्या है, तो ये है एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रिफ्स. लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स. लक्षद्वीप कंसिस्ट करते हैं 36 आइलैंड. द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड कंप्राइज 36 आइलैंड्स कवरिंग 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. इट्स कैपिटल इज कवरत्ती. लक्षद्वीप इज कंप्राइज ऑफ 10 इनहैबिटेड लैंड एंड 17 अनइनहैबिटेड आइलैंड. ओके, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट. तो इंडियन कोस्ट से कौन सा रिमोटेस्ट आइलैंड है, तो वो है मिनिकॉय आइलैंड. अमंग द गिवन ऑप्शन, मिनिकॉय इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट. बटकल, अर्नाला, हेनरी कम इन द कैटेगरी ऑफ पेनिनसुलर आइलैंड. एट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी आइलैंड लाइज करती है, वो है रामेश्वरम. लोकेशन ऑफ आइलैंड गिवन ऑप्शन इज एज. जैसे एलिफेंडा लाइन आइलैंड हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है मुंबई में. ओके, एंड इट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया. निकोबार आइलैंड, इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ बंगाल बिटवीन 6 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 92 डिग्री टू 94 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इट कंसिस्ट ऑफ 22 आइलैंड्स. रामेश्वरम आइलैंड इज लोकेटेड इन द रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड बाई पंबन चैनल्स. सैलसेटे आइलैंड, इट इज इन आइलैंड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया. मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड सिटीज ऑफ थाने आर लोकेटेड हेयर मेकिंग इट क्लोज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया. ओके,
अ लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइलैंड इज मुंबई. मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन इंडियाज आइलैंड. द टोटल एरिया ऑफ पोर्ट ब्लेयर इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ मुंबई. हाउएवर फ्रॉम टाउन से परस्पेक्टिव इट इज लेसर. टेंथ नंबर देखते हैं, मतलब इसमें बता रहा है कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो वैसे तो एरिया में मुंबई से बड़ा है, लेकिन जो टाउनशिप है मुंबई की वो पोर्ट ब्लेयर से बड़ा है. और ये ऑप्शन क्या था, लार्जेस्ट सिटी. अगर यहाँ पे सिटी नहीं होता, आइलैंड पूछता, मतलब जगह पूछता, तो वो क्या होता, पोर्ट ब्लेयर होता. ओके, हैबिटेटेड रीजन ऐसा कुछ पूछता. तो अब हम देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड एंड उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे. जैसे कि द्वारिका है, पीरम है, बेअंत शोधर एंड दीव. और इनका लोकेशन दिया है कोस्ट ऑफ काठियावाड़, कोस्ट ऑफ अरबियन सी, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कैम्बे. अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन हमने देख लिया, इसका होगा बेअंत शोधर जो है वो कहाँ पे लोकेट, वो है गल्फ ऑफ कच्छ में. पीरम है गल्फ ऑफ कैम्बे जिनको खैम्बट भी कहते हैं. द्वारका है कोस्ट ऑफ अरबियन सी एंड दीव है कोस्ट ऑफ काठियावाड़. तो हमें देखने को मिलता है वेन्स योधर, हमें कहाँ देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कक्ष रीजन. आपको पता ही होगा कि ये कक्ष रीजन है और यहाँ पे क्या है, काठियावाड़ रीजन, नहीं सॉरी खम्बट रीजन. ओके, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरी क्रिक लाइज बिटवीन. कोरी क्रिक कहाँ पे लाइज करता है, वो लाइज करता है रन ऑफ कक्ष में. कोरी क्रिक में कहाँ देखने को मिलता है, रन ऑफ कच्छ. द कोरी क्रिक इज अ टाइडल क्रिक इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ द गुजरात. इट इज मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. आपको पता होगा कि एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट रहा है. सर क्रिक इज अ डिस्प्यूटेड एरिया इन रन ऑफ कच्छ. इट इज 96 किलोमीटर टाइडल एस्टुअरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इट सेपरेट गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रिक इन रन ऑफ कच्छ. अब हम देखते हैं स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियाज. ओके, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं पहले स्टेट्स के बारे में. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लातूर इज लोकेटेड इन. लातूर आपको पता है कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र में. लातूर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 631 किलोमीटर अबव द सी लेवल. ऑन सेप्टेम्बर 30, 1919 लातूर एज फेस सिवियर अर्थक्वेक. तो लातूर उस टाइम ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि वो 1993 में एक सिवियर अर्थक्वेक को फेस किया था. विदर्भ इज अ रीजनल नेम इन इंडिया एंड इट इज पार्ट ऑफ, विदर्भ एक रीजनल नेम है और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है महाराष्ट्र का. विदर्भ इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. प्रेजेंटली देर आर टू डिविजन अंडर दिस, नागपुर एंड अमरावती. दिस रीजन कंप्राइजेस ऑफ नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वारदा, बुलढाणा, यवतमाल, भंडारा, गोंडिया, वशिम, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट रीजन इज लोकेटेड इन. पार्ट रीजन हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है झारखंड. पार्ट रीजन इज लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन. दिस रीजन इज हैज हाई हिल पिक्स. द मैक्सिमम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन द स्टेट ऑफ झारखंड. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, झुमरी तिलैया फेमस फॉर रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑन रेडियो इज लोकेटेड इन विच स्टेट. तो झुमरी तिलैया जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, क्यों, क्योंकि उसके वहाँ से बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे, किस लिए, रेडियो पे सॉन्ग्स को चलाने के लिए. और ये प्लेस कहाँ पे, ये झारखंड में. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज कोहिनोर ऑफ इंडिया. कोहिनोर ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है. द वर्ल्ड फेमस कोहिनोर डायमंड वॉज ऑप्टेन फ्रॉम द कोलूर माइंस इन आंध्र प्रदेश, सो दैट द स्टेट वॉज कॉल्ड एज कोहिनोर ऑफ इंडिया. सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर इज, मणिपुर का टोपोग्राफी हमें कैसे देखने में, माउंटेनस टोपोग्राफी है. मणिपुर इज लैंड लॉक्ड स्मॉल स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. द स्टेट कवर 22,327 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विच इज 0.7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया. इट कंसिस्ट ऑफ 1,843 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिवर बेसिन विच इज 8% ऑफ टोटल एरिया ऑफ मणिपुर. वेर इज 92% ऑफ द हिली इज एरिया इज हिली एंड माउंटेनस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम पीपल इन मणिपुर लिव इन हाउसेज बिल्ट ऑन फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ विट्स, डिकेइंग वेजिटेशन, हेल्ड टूगेदर बाई सस्पेंडेड सिल्ट. दिस आइलैंड्स आर कॉल्ड एज, इनको कहते हैं फुमडीज. ओके, क्यों लाम जो लेक के बारे में पढ़ा गया, वो एक फुमडीज लेक है. फुमडीज हेट्रोजीनियस मासेस ऑफ वेजिटेशन, सोइल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन दैट हैव बीन टेकन इनटू सॉलिड फॉर्म.
ऑफन फाउंड इन लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, जिसको हम केवल अमजो बिल लेक कहते हैं और लोकटक भी लेक कहते हैं। इट इज होम ऑफ इंडेंजर्ड डियर स्पेसिस कॉल्ड संगाई डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज सिलिकन स्टेट। सिलिकन स्टेट किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं कर्नाटका को। कोहिनूर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश को। कर्नाटका इज नोन एज सिलिकन स्टेट ऑफ इंडिया एज इट इज द हब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज इन इंडिया। द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया निक नेम ऑफ इंडियन सिटी बेंगलुरु विच इज कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो बेंगलुरु को भी हम क्या बोलते हैं, सिलिकन वैली। नाइन्थ नंबर, इट इज सेड दैट द सिलिकन वैली इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। टेंथ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो आपको पता है औरंगाबाद कहाँ पे है, औरंगाबाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में है। पालनपुर आपको गुजरात में ही देखने को, हुबली भी महाराष्ट्र, हुबली आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, गुंटूर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और गुंटूर किस लिए फेमस है, गुंटूर फेमस है टोबैको का जो हेडक्वार्टर है उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच कौन नहीं है, छत्तीसगढ़ प्लेन कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्लेन है, छोटा नागपुर झारखंड में है, रेन सेड ओरिजिन महाराष्ट्र में पड़ते हैं, और मलनाड कहाँ पे पड़ते हैं, मलनाड हमें देखने को मिलते हैं कर्नाटका में ना कि आंध्र प्रदेश में। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन लाइज इन द नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसमें कौन सा जो रीजन है वो लाइज करते हैं, तो अंबाला को छोड़ के खुर्जा, रोहतक एंड करनाल तीनों ही इलाज करते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। द नेशनल कैपिटल रीजन अंडर हरियाणा सब रीजन इंक्लूड 13 डिस्ट्रिक्स, और वो इंक्लूड करता है फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद एंड करनाल। उत्तर प्रदेश सब रीजन कंप्राइज ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर एंड शामली। राजस्थान सब रीजन इंक्लूड्स 2 डिस्ट्रिक्ट, अलवर एंड भरतपुर। खुर्जा इज सिटी ऑफ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो खुर्जा कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ, वो कौन से पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करते, तो वो इंक्लूड नहीं करते पंजाब को, वो इंक्लूड करते हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश को, एंड उत्तर प्रदेश आपने देख लिया। 14 नंबर का क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक इकोनॉमिकली एट द टॉप बट द लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 6:1। तो ये है हरियाणा जो इकोनॉमिकली टॉप है और लोवेस्ट है 6, ऑल दो इसका 6:1 अब बढ़ गया है रिसेंट जो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, और ये पूछा गया था किसके रिगार्डिंग, 2011 सेंसस में। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ 4 टाउन्स एज वन प्रोसीड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता, तो आपको पता है कि नगांव जो है वो कहाँ देखने को मिलता, वो हमें देखने को मिलता असम में, तो असम आपको पता है ईस्ट में है। उसके बाद दरभंगा बिहार का है, अलीगढ़ यूपी का है, एंड बीकानेर राजस्थान का है। ओके, तो ईस्ट टू वेस्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट। इन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोन इन फिगर प्लेस मार्क ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट। इसमें से ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ए है बारामूला, बी है श्रीनगर, सी है अनंतनाग एंड डी है कारगिल। ओके, तो इसको ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 7th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेज 7 स्टेट। भोपाल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जम्मू कश्मीर डज नॉट टच बाउंड्री ऑफ पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेज 7 स्टेट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश करेंटली से बाउंड्री विथ, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था ना तो उस टाइम मध्य प्रदेश 7 स्टेट्स को टच करता था, और अब कितने स्टेट्स को टच करते हैं, अब वो 5 स्टेट को टच करते हैं, और ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। भोपाल कहाँ पे लोकेटेड, भोपाल है साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पंजाब शेयर्स बाउंड्रीज विथ राजस्थान, पंजाब किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, राजस्थान।
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर. अरुणाचल प्रदेश हैज टू नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. और मतलब ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम जो मध्य प्रदेश वो टच करता था 7 स्टेट्स से. 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. एज पर द एरिया व्हाट इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. एरिया के अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा. मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश एंड उसके बाद है बिहार. तो थर्ड मध्य प्रदेश, उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आंध्र प्रदेश, 3, 4, 1, 2. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है. 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया. इनमें से कौन सा स्टेट है जो स्मॉलेस्ट है, वो है तमिलनाडु. इन ऑप्शंस में तमिलनाडु का स्मॉलेस्ट एरिया है. तमिलनाडु विथ एरिया ऑफ 1,30,060 किलोमीटर इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अमंग द गिवन ऑप्शन. आंध्र प्रदेश हैज एन एरिया ऑफ 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर. गुजरात हैज एन एरिया ऑफ 1,96,924 स्क्वायर किलोमीटर एंड कर्नाटका हैज 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर. द थ्री लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ द एरिया आर. तीन लार्जेस्ट स्टेट कौन कौन से इंडिया के, तो वह है आपके सबसे लार्जेस्ट है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश एंड उसके बाद है महाराष्ट्र. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज, टोटल एरिया जो इंडिया के है वो है 32,87,263 किलोमीटर विच इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया रैंक सेवेंथ इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पॉपुलेशन इज 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया आर राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश एंड उसके बाद है महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द ऑल स्टेट्स इन इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरियाज. तो एरिया वाइज के अकॉर्डिंग यूपी जो आता है वो फोर्थ नंबर पे आता है. किसके किसके बाद? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ द साइज. तो वो है महाराष्ट्र सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन द टर्म्स ऑफ साइज. 23 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज. तो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री कौन सा स्टेट टच करता है, वो है उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश टचेज राजस्थान टू द वेस्ट, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली टू द नॉर्थ, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश टचेज एंड टचेज द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट. यानी ये 8 स्टेट को टच करने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश. और ये रिसेंटली अभी पीएससी में भी पूछा गया था. 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 24th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया. तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद है झारखंड, हिमाचल प्रदेश और सबसे कम एरिया है उत्तराखंड का. तो ऑप्शन सी सही है. और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. छत्तीसगढ़ का 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है, झारखंड का 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तराखंड का 53,483 किलोमीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अर इन द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरियाज. तो ज्योग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग उनका डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट है राजस्थान, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटका एंड उसके बाद है तमिलनाडु. 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया, वो है उत्तराखंड. 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. अबाउट 30% ऑफ इंडियाज एरिया लाइज इन द थ्री स्टेट्स ऑफ इंडिया. 30% ऑफ इंडियाज एरियाज लाइज इन थ्री स्टेट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे आते हैं. और ये पूछा गया यूपीपीसीएस प्री 2009, यूपीपीसीएस मेंस 2006 में. इन इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया वो है बिहार. और सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, बिहार में. बिहार इज द टोटल 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड by area and third largest in terms of population. Okay? इसका एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर. विच 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश को कौन कौन से स्टेट बॉर्डर करते हैं, आपको पता है कि वो बॉर्डर करते हैं राजस्थान, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, लेकिन पंजाब को टच नहीं करते हैं. तो कौन कौन से स्टेट को टच करते हैं,
हरियाणा को टच करते, राजस्थान को टच करते, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार को। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अराउंड द स्टेट ऑफ असम। तो स्टेट ऑफ असम को कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सराउंड करते हैं? तो सराउंड करते हैं 7 स्टेट्स, नेमली वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। इट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द यूनियन टेरिटरी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 31st क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।